पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में कि उनकी सारी ट्रेनिंग और उनको किस तरीके से बताया गया है सब कुछ वो हम ही लोगों ने दी है और हम लोगों को उस जगह से डाइल्यूट करके आउट कर दिया गया है ताकि वो वाली पोजीशन जो ऑफिसर रैंक की है वो आईपीएस और बाकी तमाम लोगों के पास ब्यूरोक्रेट्स के पास चली जाए जिससे हमारे जवानों को और हमारे बाकी तमाम लोगों को उतना ही नुकसान पहुंचा है। नहीं तो एक कायदे की बात सोचने की है, अगर आर्मी में आदमी ट्रेंड है और 35 साल में रिटायर हो गया है और उसे सेकंड कैरियर मिल रहा है और वो सेकंड कैरियर ट्रेंड सोल्जर पहले उठा लेते थे बीएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले, एसआरपीएफ वाले तमाम, पर अभी वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है क्योंकि उसके अंदर भी स्वार्थ है जिसमें आर्मी को वो ज़्यादा प्रोग्रेस ये गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट नहीं देना चाहती थी। अब मैं इस बात को और भी फैला के बताऊंगा, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तो आरएसआई क्लब सबसे पहला क्लब बना क्योंकि पंडित जी का ये कहना था कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स वाले ये ऑफिसर मिलने ही नहीं चाहिए, नहीं तो इस देश का वो हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। ये सारे एक जगह मिल के अगर बैठेंगे तो इसलिए इसको कायम करने के लिए सबसे पहले जनरल राजेंद्र सिंह जी सेकंड आंसर के वो हमारे चीफ बने, उन्होंने बोला साहब ऐसा है कि हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, क्लब नहीं जाएंगे उसको, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया और आरएसआई इंस्टीट्यूट पूना सबसे पहले कायम किया और आर्मी नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर एक दूसरे को मिलकर राम राम करने के काबिल हुए। नहीं तो देश को इतना डर था कि जैसे पाकिस्तान में हो रहा है हमारे साथ भी हो जाएगा, बनने ही नहीं दिया। और सबसे पहला होटल जो यहाँ पे बना है फाइव स्टार अशोका होटल बना है जो पंडित जी खुद घोड़े पे आके उसको सुपरवाइज करते थे। इसलिए किस तरीके से एक बड़ी डेलिब्रेट तरीके से आर्मी को पिछाड़ा गया है और वहाँ पर बात पहुँच गई है कि वन रैंक वन पेंशन पे को रिड्यूस कर दिया गया, बाकी सभी पेंशन को रिड्यूस कर दिया गया, तो क्यों नहीं हम बोलेंगे हमारे अंदर वो भावना। इसलिए मैं पहले से शुरू में भी मैंने ये कहा था कि पैसे मिले या ना मिले हमको हमारी प्रेस्टीज रिडीम करनी है, हमको हमारी इंटेग्रिटी रिडीम करनी है। अगर ये नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेस्टीज और ये रिडीम ये इंटेग्रिटी उसके हमें काबिल नहीं समझा गया। हमारे चीफ की पोजीशन कहाँ से कहाँ बना दी गई है, ये चीफ का कसूर है। 73 में अगर वो बोलते कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो कोई बात ही नहीं थी। और उसके बाद भी कितनी खराबी हुई 2008 के अंदर, 2008 के अंदर जब जजिस की तमाम आदमियों की पेंशन बढ़ाई गई या पे बढ़ाई गई उस वक्त भी नहीं बोले। अगर उस वक्त भी बोलते तो कम से कम कुछ हो जाता और ये नहीं कि कोई सब के सब जाके अम्बेसडर बन गए जीने का के। जब सैन मानिक शाह अम्बेसडर नहीं बने कोई भी उनको कहने क्लब ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया, ये क्या डिग्रेडेशन थी। वो इंदिरा गांधी को उनका इतना डर लग गया कि इसके बाद पॉपुलैरिटी इसी की है क्योंकि इस जनरल ने ही सिर्फ एक विभाजन कर दिया। मैंने सुबह भी बोला था ज्योग्राफिकली अगर किसी आर्मी ने किसी ज्योग्राफी को चेंज किया है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को चेंज किया है, या तो वो इंडियन आर्मी है 1971 में और या फिर जर्मनी में हुआ है, इस जर्मनी ऑफ